नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द वैदिक कॉलेज में। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं हेडलाइन की WHO चीफ टेड्रोस उन्होंने ये कंफर्म किया है कि वुहान का जो लैब लीक थ्योरी है वही मोस्ट प्रोबेबल एक्सप्लेनेशन है जो वर्ल्ड में कोविड फैला है ना, ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है। तो फाइनली एक तरीके से आप कह सकते हो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन्होंने माना कि हाँ, जो कोविड वायरस था वो चाइना से निकला। हालांकि हमेशा से जो WHO चीफ एंड टेड्रोस, इनको माना गया है कि ये एक तरीके से चाइना का हमेशा पक्षधर रहे हैं और हमेशा उन्हीं के साइड से बोलते हैं, उनका हमेशा फेवरिज्म किया, पूरा कोविड के टाइम में इन्होंने फेवर किया चाइना का। और इवन US भी इससे बहुत नाराज़ था इस बात को लेकर के। US ने तो फंडिंग तक बंद कर दी थी, अगर आपको याद हो तो, कि हम फंड भी नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने WHO को यहाँ तक कह दिया था। फिर वो तो जो बाइडन के आने के बाद फिर से पॉलिसीज़ में चेंजेस किए गए। तो आइए जानते हैं पूरा क्या मामला है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस तरीके और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इस तरीके के जो भी लेटेस्ट करंट अफेयर्स होता है वो हम आप तक लाते हैं, और इससे आपको आपके UPSC के एग्ज़ाम या किसी भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में मदद मिलेगी। आइए देखते हैं क्या है मामला। ये हैं WHO के चीफ जो हैं टेड्रोस, वो ये हैं, ये इथियोपिया के रहने वाले हैं मूल रूप से, और इनको मई 2017 में चुना गया था WHO को चीफ के लिए। WHO की बात चल रही है फ्रेंड्स, तो आप ये भी जानो कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो है जिनेवा में, है ना। जब भी ऐसी कोई न्यूज़ होती है ना फ्रेंड्स, तो डायरेक्ट एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आपको हमेशा उससे रिलेटेड चीज़ें आएंगी। तो आप जो भी सोच सकते हैं इससे रिलेटेड चीज़ें, आप वो सब करिए। जैसे WHO में नंबर ऑफ कंट्रीज़ कितनी है, है ना, और पहले वाला चीफ कौन था, तो ऐसे जो भी रिलेटेड चीज़ें होती हैं आप उन सबको लिख के याद रखा करें, हैंडी रखा करें। ये एग्ज़ाम में आप डायरेक्ट कुछ भी नहीं पूछा जाता, उससे रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती है। अभी क्या हुआ है कि सामने एक बात आई है कि टेड्रोस जो हैं, ये उन्होंने एक यूरोपियन पॉलिटिशियंस के साथ बातों में बताया कि जो हाइपोथेसिस सामने आई है, है ना, कई सारी हाइपोथेसिस सामने आई थी कि कहाँ से कोविड आया होगा, कैसे फैला होगा, उनमें से सबसे जो ट्रस्टवर्दी मानी जाती है वो यही है कि ये चाइना से ही निकल के आई है। कहने के लिए बहुत सारी बातें की गई कि ऐसे हुआ होगा वैसे हुआ, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जिस पे विश्वास किया जा सकता है वो यही थी कि हाँ, वुहान के लैब में कुछ एक्सीडेंट हुआ होगा, वहीं से निकल के आया। और वो इसलिए क्योंकि जो वुहान का वायरस रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ पे उन्होंने ना कई सारे स्ट्रेन्स रखे हुए हैं वायरस के, और अभी भी वो रिसर्च कर रहे हैं। तो सारी मतलब जो इशारा है वो वहीं जाता है कि हाँ भाई, वहीं के लीक हुआ होगा, तभी वुहान से ही फैलना शुरू हुआ। क्योंकि ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि जहाँ वायरस के स्ट्रेन्स पे रिसर्च चल रही हो वहीं से फैलना शुरू हो जाए। तो ये और कोई सोर्स इसका होना बहुत ही अजीब से लगेगा सोचना भी इस बारे में। तो मोस्ट प्रोबेबल कॉज वही होगा। हाँ, इसके प्रूफ अभी तक नहीं मिले हैं, क्योंकि आप जानते हैं चाइना टेंपर कर देता है चीज़ों को, और टाइम से चीज़ों की उसने रिपोर्ट नहीं की दुनिया को, इसलिए पूरा दुनिया में फैल गया। उसने तब बताया जब बहुत ज़्यादा फैल चुका था, तब जाके उसने दुनिया में बताया कि हाँ, ऐसा एक वायरस आ गया जो हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तब तक कई लोगों की डेथ हो चुकी थी, वीडियो सामने आने लग गए थे चाइना से कि उन्होंने दबाने की बहुत कोशिश की। इवन कुछ डॉक्टर्स की भी आई थी वीडियोज़ जिन्होंने बताया था, दुनिया को अलर्ट किया था कि ऐसे टाइप का वायरस आ गया जिससे लोगों की डेथ हो रही है। उसकी भी कुछ दिनों बाद डेथ हो गई थी संदिग्ध हालत में। तो चाइना एक ऐसा देश है जो अपने देश की तो न्यूज़ नहीं जाने देता, लेकिन हाँ, दूसरों पर आरोप जरूर थोपता रहता है। आप देखो वो गलवान वैली का जो इंसिडेंस हुआ, एक साल तक उसने यही राग अलापता रहा कि हाँ, हमारे देश में कोई नहीं मरा, कोई नहीं मरा। एक साल बाद कह रहा है हमारे 4 लोग मरे, जबकि US और रशिया वगैरह सबने बोल दिया था कि इनके कम से कम 50 लोग मारे गए हैं गलवान वैली इंसिडेंस में। खैर, वो अलग बात है, हम सब जानते हैं चाइना कैसा देश है, बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं है। और मैं तो पर्सनली इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैं उनके साथ काम भी करता था, तो मुझे तो पता है कि ये कैसे लोग होते हैं।
खैर कमिंग बैक टू द टॉपिक, टेड्रोस जो है इन हिज ओपनिंग रिमार्क एट द मेंबर स्टेट इंफॉर्मेशन सेशन ऑन कोविड 19 एंड अदर इश्यूज, टेड्रोस ने क्या कहा कि वो एक एक सेशन चल रहा था कहीं पे, है ना, मेंबर स्टेट का, मेंबर स्टेट जो WHO के मेंबर स्टेट्स हैं उनका इंफॉर्मेशन सेशन चल रहा था कोविड 19 पे और दूसरे इश्यूज को लेकर के। तो वहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि 2.5 साल हो गए हैं जब पहली बार कोरोना वायरस का पता चला था और हमें आज तक एग्जैक्ट उसका नहीं पता चल पा रहा है कि कहाँ कैसे वो इंसानों में आया ये वायरस, है ना, इंसानों में कैसे ट्रांसफ़र हुआ है। और अभी क्या हुआ था कि पिछले कुछ दिनों पहले WHO ने 27 लोगों की एक्सपर्ट टीम बनाई थी और उनका यही काम था कि ऐसे जो भी इमर्जिंग पैथोजन्स हैं, इमर्जिंग पैथोजन मतलब ऐसे कोई भी कीटाणु जो कि पोटेंशियली ऐसा दोबारा से पेंडेमिक ला सकते हैं, है ना, उनका पता लगाना और उसके बारे में क्या किया जा सकता है वो करना। तो ऐसा WHO ने एक टीम बनाई, तो उस टीम ने भी पहली प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में यही बोला है। उसको क्या बोलेंगे उस टीम का नाम, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को कहीं लिख के रखिए, याद रखिएगा, उसको सैगो बोल रहे हैं। क्या नाम है उस टीम का, साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर ओरिजिन्स ऑफ नोवल पैथोजेंस, है ना, सैगो। उसने यही कहा कि स्ट्रेस किया कि कोई कंक्लूसिव फाइंडिंग नहीं मिली कि कहाँ से वायरस आया था और इतना बड़ा पैंडमिक करके चला गया एक सेंचुरी का, है ना। इससे पहले वाले सेंचुरी में आपने सुना होगा ब्लैक डेथ कहते थे प्लेग को, प्लेग भयानक था, लेकिन इस बार क्या है, इस सेंचुरी में आपका कोविड फैला। तो ये जो सैगोट करके टीम थी, इसको स्पेसिफिकली जो है सार्स कोविड 2 वायरस जिसके कारण कोविड हुआ, इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी उनको बोला गया था कि आप थोरो इन्वेस्टिगेशन करो, पता लगाओ कहाँ से फैला था, कैसे ये इंसानों में आया, जोनोटिक कैसे हुआ ये, क्योंकि तो ये वायरस नॉर्मली ऐसा बोला जाता है कि ये बैट्स वगैरह में ज़्यादा होता है, तो वहाँ से इंसानों में कैसे हुआ इसका पता लगाना ज़रूरी था। पर अभी कोई भी क्योंकि डाटा इनकम्प्लीट है, क्योंकि सबसे पहले चाइना में फैलना शुरू हुआ था तो चाइना ने डाटा ही नहीं दिया, कंप्लीट डाटा नहीं दिया, जो दिया वो भी मतलब कंक्लूसिव नहीं है, उससे कोई रिजल्ट नहीं निकल पाता है, तो टेम्पर्ड डाटा है। तो इस चलते ये सारी चीज़ें जो हैं, रिपोर्टर जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बोला कि इनसे हमारी जो है गैप्स आ रहा है रिसर्च में, ऑल हाइपोथेसिस मस्ट बी ऑन द टेबल। वो उनका कहना है कि ठीक है हम दूसरी हाइपोथेसिस पे भी काम कर रहे हैं, है ना, जैसा कि किस जो था कि वायरस से किसी को वायरस खाया होगा, है ना, एनिमल खाने से ही वायरस चला गया हो, शायद ट्रांसमिट कर गया हो, ये भी एक हाइपोथेसिस थी, उस हाइपोथेसिस पे भी काम किया जा रहा है। लेकिन उनका कहना है कि हम सारी हाइपोथेसिस को नकार नहीं सकते, कि हाँ ये बात को नकारा नहीं जा सकता कि वुहान से वायरस लीक हुआ है। और ये आप ट्वीट्स देख सकते हैं, उनकी ट्वीट भी आई है, वही बात जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। तो अगर जब अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि रिलेटेड न्यूज़ याद रखा करें, हाल के दिनों में अगर आप याद रखें कि चाइना में 2-3 चीज़ें हुई हैं, अभी चाइनीज साइंटिस्टों ने बोला था कि उनको एलियंस ने कांटेक्ट किया है। तो कैसे उनको मिला था, एक उनका बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉमी का उन्होंने इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, उसका नाम क्या है, स्काई आई, है ना, उसके थ्रू उन्होंने वो रिसर्च कर रहे हैं पूरा वर्ल्ड में, सॉरी यूनिवर्स में। और दूसरा चाइना से रिलेटेड बड़ी न्यूज़ थी कि फूचियन करके उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर को अपना अभी अपना इंट्रोड्यूस कराया नेवी में, तो ये उनका थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर था, है ना, इससे पहले लियाओनिंग भी है, तो ये तीसरा था। और इंडिया के पास कितने हैं, इंडिया के पास अभी इन सर्विस एक है विक्रमादित्य और दूसरा हमारा INS विक्रांत का ट्रायल चल रहा है। मैं आपके लिए एक डाटा लाया हूँ फ्रेंड्स, आप वो देखिए, इम्पोर्टेंट डाटा है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए डाटा, कौन सी दुनिया में किस किस के पास क्या क्या है इन सर्विस। देखिए ऑस्ट्रेलिया के पास भी नहीं है, ब्राज़ील के पास एक है इन सर्विस एयरक्राफ्ट कैरियर, चाइना के पास 3 है, फ्रांस के पास 1 है, इंडिया के पास 1, इटली के पास 2 है ना, रशिया के पास भी 1 ही है इन सर्विस, स्पेन के पास 1, थाईलैंड के पास 1,
यूके के पास 2 और यूएस के पास सबसे ज़्यादा 11 है ना। तो हालांकि बाकी जो कंट्रीज हैं ये जैसे थाईलैंड वाइलैंड है या फिर स्पेन है या मैं मान सकता हूँ इटली का भी कहीं तक या ब्राज़ील है, इनके पास इतने बड़े नहीं होंगे जैसे इंडिया चाइना यूएस वगैरह के पास हैं, बट इनके पास भी है। तो आप एक बार एक नज़र में ध्यान रखिए कि हाँ इन कंट्रीज़ के पास भी है ना। सॉरी फ्रेंड्स, घर में भी दूसरों को भी खांसी हो रखी है तो आपको वो भी बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही हो शायद। तो रिलेटेड न्यूज़ को आप ध्यान में रखा करें फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाह रहा था आपसे। और फिर से एक बार कोविड फैल रहा है तेलंगाना में आए दिन। इससे पहले हम देख रहे थे कि वो मुंबई में भी हालात ख़राब थे, अभी तेलंगाना में भी हालत ख़राब होती जा रही है, बढ़ता जा रहे केसेस। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अपना ध्यान रखें, सेहत का ख्याल रखें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें। ज़रूरत पड़े तो ही बाहर घूमें, बाहर जाना पड़े तो मास्क ज़रूर पहने और पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।